और मेरे सुपर हीरो भाई लोग कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों आ चुका तुम्हारा भाई लेकर के एक बार फिर से न्यू ट्रेंडिंग ओल्ड बॉयज पूरी डीजे स्टेटस का ट्यूटोरियल लेकर के, जो कि दोस्तों बहुत ही कमाल और ओपी है, जो कि आपने प्रीव्यू में देख लिया होगा दोस्तों। तो आप भी अपनी फोटो को लगा करके बनना चाहते हैं इस तरह का कमाल का डीजे स्टेटस दोस्तों, आपको क्या करना है, बस इस वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। हम आपको बताएंगे बहुत ही आसान तरीके से, स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं दोस्तों। तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना दोस्तों। और जो हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है, इस तरह का कमाल का वीडियो सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस कर लेना। एंड दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपने देखा इस टाइप का शीट बनाने के लिए एक एप्लीकेशन जो पढ़ने वाले दोस्तों, जिसका नाम है लाइटमोशन, ये आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। अगर आपको इसका मॉडल चाहिए तो आपको हमारे वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा दोस्तों। वहाँ पर इसमें जो जितने फोटो वगैरह यूज हुए हैं सब आपको वहीं पर मिल जाएगा। उसके बाद गाइस आएगा जो प्रोसेस है वो आपको हम बताते हैं गाइस। उसके पहले आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन में आपको सॉन्ग बीट मार्क एंड सेग इफेक्ट नाम का दो लिंक मिलेगा, उसे आपको इंपोर्ट कर लेना अपने लाइटमोशन में दोस्तों। जब आप उसे इंपोर्ट कर लेंगे तो इंपोर्ट करने के बाद आपका जो होम पेज रहेगा आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो प्लस के बगल में आपको एक प्रोजेक्ट दिख जाएगा, तो प्रोजेक्ट पर आपको क्लिक कर देना और यहाँ पर आपको सॉन्ग बीट मार्क एंड न्यू होली से इफेक्ट आपको दिख जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आपको सॉन्ग बीट मार्क को ओपन करना दोस्तों। यहाँ पर आपको इसको ओपन करने के बाद आपको जहाँ जहाँ बीट दिख रहा है बीट के हिसाब से आपको सभी जगह फोटो को ऐड कर देना है। इस फोटो को ऐड करना बहुत ही आसान है, आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले प्लस पे क्लिक करना है और मीडिया पर जाना दोस्तों। और यहाँ पर आपको जब बॉक्स बॉक्स नीचे आपको नाम दिखेगा, तो नाम पर जब आप क्लिक करें तो आपके गैलरी का सारा फोल्डर ओपन हो जाएगा। आप जहाँ भी फोटो रखे रहेंगे वहाँ पर आपको क्लिक करके फोटो को ढूंढ लेना है, ठीक है। तो मैं ऑलरेडी क्लिक किया हूँ, ठीक है। इस पर करने के बाद आपको जो भी फोटो ऐड करना है इस फोटो पर क्लिक कर देना है और थ्री डॉट पर क्लिक करके फिर कंप्यूटर पर क्लिक करके फुल स्क्रीन कर देना है। एंड दोस्तों मैं आपको बताता हूँ जहाँ जहाँ बीट है, ठीक है, बीट के हिसाब से आपको सभी जगह फोटो को ऐड कर देना है। मैं गाइस फटाफट से फोटो को ऐड कर लेता हूं, नहीं तो गाइस वीडियो का लेंथ थोड़ा लंबा हो जाएगा दोस्तों। तो आप भी फटाफट से फोटो को ऐड कर लीजिए, मैं फटाफट से फोटो को ऐड कर लेता हूं। तो दोस्तों बीट के हिसाब से हमने सभी जगह फोटो को ऐड कर दिया। इसके बाद गाइस इफेक्ट कैसे कैसे लगाना है आपको वीडियो को कंटिन्यू जरूर देखना है, नहीं तो गाइस वीडियो को आपको बनाने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए दोस्तों वीडियो को बिना स्किप करके जरूर देखना, ठीक है। सबसे पहले गाइस आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर मैंने नंबर ऑलरेडी लिख के रखा है, यहाँ पर आपको दीजिएगा एक नंबर, ठीक है। तो आपको सबसे पहले बैक कर लेना है और अपने यहाँ पर न्यू होली सेक इफेक्ट में आ जाना, ठीक है। इसमें गाइस जब आप आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, मैं यहाँ पर भी लिख के रखा हूँ एक नंबर, ठीक है। तो वहाँ से आपको यहाँ पर एक नंबर दो नंबर जैसे लिखा वैसे आपको मिला लेना है, ठीक है। तो जो जो सबसे पहले पहला लाइव इफेक्ट है आपको सबसे पहले नीचे आना है और यहाँ पर आपको तो जो दिख रहा है फोटो आपको इस फोटो पे क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको इफेक्ट पे क्लिक करना है, थर्ड पे क्लिक करके कॉपी इफेक्ट कर लेना है। उसके बाद गाइस आपको बैक कर लेना है और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है जो कि सॉन्ग बीट मार्क है, ठीक है। गाइस सॉन्ग बीट मार्क आपको दिख जाएगा, तो नीचे आप जब पाएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। गाइस आप जब नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा, यहाँ पर आपको दिख रहा है एक नंबर, ठीक है। ठीक है, जो हमने एक नंबर अभी कॉपी किया है इसके ऊपर जो फोटो दिख रहा है आपको क्या करना पड़ेगा, इस फोटो पे क्लिक कर देना और इफेक्ट पे क्लिक करके थर्ड पे क्लिक करके पेस्ट कर देना है, ठीक है। एंड दोस्तों एरो पे क्लिक करके आपको नीचे आना, नीचे आ पाएंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा दो नंबर, ठीक है। तो आपको बैक कर लेना है और यहाँ पर आपको न्यू होली में आ जाना है, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख जाएगा जो कि हमारा थोड़ा सा आप आगे आएंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा दो नंबर, ठीक है। तो इसके नीचे जो फोटो दिख रहा है आपको इस फोटो पर क्लिक कर देंगे और इफेक्ट पर क्लिक करके थर्ड पर क्लिक करके कॉपी इफेक्ट कर लेंगे, ठीक है। एंड दोस्तों आपको फिर से बैक कर लेना है और यहाँ पर आपको सॉन्ग बीट मार्क में आ जाना दोस्तों। यहाँ पर आने के बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है, ठीक है। तो वैसे आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। वैसे आज का थोड़ा सा मोबाइल मेरा हैंग करा है क्योंकि इसको इसका स्टोरेज फुल हो चुका है, ठीक है। तो जो हमारा जो दो नंबर दिख रहा है इसके ऊपर गाइस आपको दिख रहा है जो फोटो, सभी फोटो पर हमारा यही इफेक्ट लगेगा जो हमारा दो नंबर वाला इफेक्ट है, ठीक है। तो हम इस फोटो पे क्लिक कर लेंगे और इफेक्ट पे क्लिक करके थर्ड पे क्लिक करके पेस्ट कर लेंगे दोस्तों। इतना जो फोटो दिख रहा है सभी फोटो पे आपका यही इफेक्ट लगेगा, ठीक है। यहाँ पर गाइस आप थ्रेड पे क्लिक करके पेस्ट कर देना, ठीक है। फिर आपको एरो पे क्लिक करके आ गया है और यहाँ पर गाइस जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको दीजिएगा तीन नंबर एक पाइस पर, ठीक है। तो आपको सबसे पहले बैक कर लेना है और यहाँ पर आपको सैक इफेक्ट में आ जाओ। यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर दिख जाता है जो कि हमारा है तीन नंबर, ठीक है। फिर इस पर हम क्लिक कर लेंगे और इफेक्ट पे क्लिक करके थर्ड पे क्लिक करके कॉपी इफेक्ट कर लेंगे, ठीक है। एंड गाइस आपको फिर से बैक कर लेना है, अपने सॉन्ग बीट मार्क में आ जाना दोस्तों। यहाँ पर आने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्रॉल करके आपको आगे आना है। जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है तीन नंबर, ठीक है। तो गाइस इसके ऊपर जितने फोटो होंगे सब पर हमारा यही इफेक्ट लगेगा। तो मैं आपको मार्क दिखा देता हूँ, मार्क हमारा कहाँ तक है। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारा मार्क यहाँ तक है, ठीक है, जो कि हमारा पाँच छः तक। तो इसके ऊपर जितने फोटो होंगे सब पर हमारा यही इफेक्ट लगेगा। तो इस फोटो पर क्लिक कर देते हैं, इफेक्ट पर क्लिक करके थर्ड पर क्लिक करके पेस्ट कर देंगे, ठीक है। एंड गाइस यहाँ पर आपको जो दिख रहा है फोटो आपको सब उसके ऊपर जितने फोटो होंगे सब पर हमारा यही इफेक्ट लग जाता है, ठीक है। इतना हो जाने के बाद आपको एरो पे क्लिक करके नीचे आना है और जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको दिया जाएगा चार नंबर जो कि हमारा पाँच छः पर है, ठीक है। आपको सबसे पहले बैक कर लेना है और अपने सेक इफेक्ट में आ जाना दोस्तों। यहाँ पर आने के बाद आपको वन टू थ्री फोर जो चौथा लाइफ इफेक्ट दिख रहा है, ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, इसके नीचे जो फोटो दिख रहा है इस फोटो पे क्लिक करेंगे हम और इफेक्ट पे क्लिक करके थर्ड पे क्लिक करके कॉपी इफेक्ट कर लेंगे, ठीक है। एंड दोस्तों फिर से आपको बैक कर लेना है और अपने सॉन्ग बीट मार्क में आ जाना है।
दोस्तों 100 बिट मार्क में आने के बाद आपको एरो पे क्लिक करके आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको थोड़ा सा आ गया ना, और यहाँ पर जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है गाइस, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है चार नंबर, ठीक है। तो इसके ऊपर जो फोटो दिख रहा है आपको इसके ऊपर वही इफेक्ट लगाना जो हमने भी कॉपी किया है, ठीक है। तो इस फोटो पर क्लिक कर लेंगे हम, ठीक है, और इस फोटो पर क्लिक करके फेड पर क्लिक करके थ्रेड पर क्लिक करके पेस्ट कर देंगे। एंड दोस्तों एरो पर क्लिक करके आपको आ गया ना, जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाता है पाँच नंबर, ठीक है। फिर से आपको बैक कर लेना है और अपने सेक इफेक्ट में आ जाए दोस्तों, यहाँ पर आने के बाद आपको जब आप आगे आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा पाँच नंबर इफेक्ट, ठीक है। तो आपको इसके नीचे दिख रहा है जो फोटो, आपको इस फोटो पे क्लिक कर देना है, इफेक्ट पे क्लिक करके थर्ड पे क्लिक करके कॉपी इफेक्ट कर लेना है। हाँ दोस्तों फिर से आपको बैक कर लेना है, अपने 100 बिट मार्क आ जाना, जहाँ पर आपने छोड़ा था आपको वहीं पर चले जाना है, ठीक है। तो आपको एरो पे क्लिक करके यहाँ पर जो दिख रहा है वो एरो पे क्लिक करके आपको आ गया ना, जब नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा इस पाँच नंबर, आप इसको स्क्रॉल करके आगे जाना है, ठीक है। यहाँ पर आपका दिख रहा है चार नंबर फिर पाँच नंबर जो दिख रहा है आपको, ठीक है। तो इसके ऊपर जो दिख रहा है फोटो हमारा फ्लैश इफेक्ट है, तो इस फोटो पर हम क्लिक कर लेते हैं, ठीक है, और इस फोटो पर क्लिक करके इफेक्ट पर क्लिक करके थर्ड पर क्लिक करके पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। दोस्तों एरो पर क्लिक करके आपको आगे आना है, और जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा है दो नंबर, ठीक है। अब स्टार्टिंग में आपको जो हमने बताया था आपको दो नंबर वाला इफेक्ट आपको इसी को वहाँ पर लगा देना है, ठीक है। तो ऐसे लगाने के बाद फिर आप आगे आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है छः नंबर इफेक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बैक कर लेना है और अपने सेक इफेक्ट में आ जाना है, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर दिख जाता है जो कि हमारा है छः नंबर इफेक्ट, ठीक है। तो इसके नीचे का जो दिख रहा है फोटो, आपको इस फोटो पर क्लिक कर देना है, इफेक्ट पर क्लिक करके थर्ड पर क्लिक करके कॉपी इफेक्ट कर लेना है। ऐसे इतना करने के बाद आपको बैक कर लेना है और अपने 100 बिट मार्क में आ जाना है। तो 100 बिट मार्क में आने के बाद आपको सबसे पहले एरो पर क्लिक करके आगे आना है और यहाँ पर नीचे आपको आ जाना है गाइस, यहाँ पर आपको छः नंबर दिख जाएगा उसी के ऊपर फोटो दिखेगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर गाइस जी का चार नंबर पाँच नंबर हो गया और इसके बाद गाइस हमारा छह नंबर, इसके ऊपर जितने फोटो होंगे सब पर हमारा ये इफेक्ट लगने वाला है, ठीक है। एंड गाइस मैं आपको बता दूं यहां पर आपको जितना फोटो दिख रहा है ना सभी फोटो पे हमारा ये इफेक्ट लगेगा। गाइस यहां से स्टार्ट हो रहा है, इस फोटो पे क्लिक करेंगे, इफेक्ट पे क्लिक करेंगे, थर्ड पे क्लिक पेस्ट कर देंगे, हो जाएगा हमारा। फिर गाइस मैं आपको दिखा देता हूं जो हमारा छह नंबर मार्क है वो कहां तक है, ठीक है। तो गाइस हमारा जो छह नंबर मार्क है आप देख सकते हैं गाइस, छह नंबर मार्क हमारा जो है यहां तक है, ठीक है, 2014 तक, ठीक है। तो गाइस इसके ऊपर जितने फोटो देख रहे हैं आपको इस फोटो पे क्लिक कर देना है जो कि हमारा लास्ट फोटो है, इस फोटो पर हम क्लिक करेंगे, फेड पर क्लिक करके थर्ड पर क्लिक कर पेस्ट कर देंगे। फिर आपको गाइस एरो पर क्लिक करना है और नीचे आना है, नीचे आ पाएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा एक नंबर जो हमने भी स्टार्टिंग में लगाया था वही आपको लगा देना है। फिर गाइस यहाँ पर आपको दिख जाएगा पाँच नंबर जो कि फ्लैश इफेक्ट है, मैंने आपको भी यहाँ पर लगा के दिखाया है, ठीक। तो दोस्तों पाँच नंबर इफेक्ट लगा देने के बाद आप आगे आएंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा दो नंबर जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, तो वैसे आपको लगा देना। फिर आपका आप आगे आएंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा 2287 नंबर इफेक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बैक कर लेना है और अपने सेक इफेक्ट में आ जाए दोस्तों, यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर दिख जाता है सात नंबर इफेक्ट, ठीक है। तो आपको इसके इस फोटो पर क्लिक करना है, इफेक्ट पर क्लिक करके थर्ड पर क्लिक करके कॉपी इफेक्ट कर लेना है, ठीक है। फिर आपको बैक कर लेना है और बैक करने के बाद अपने 100 बिट मार्क में आ जाए दोस्तों, 100 बिट मार्क में आ जाने के बाद आपको स्क्रॉल करके आगे आना है, ठीक है। गाइस स्क्रॉल करके आपको आगे आना है, जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको नंबर भी दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ पर गाइस आपका जो नंबर हमारा दिख रहा है सात नंबर, ठीक है। इसके ऊपर जितने फोटो होंगे सब पर हमारा ये इफेक्ट लगने वाला है। तो गाइस मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो फोटो दिख रहा है इसके ऊपर जितने फोटो होंगे ना सब पर हमारा ये इफेक्ट लगेगा। तो इस फोटो पर क्लिक करेंगे, फिर पे क्लिक करके थर्ड पर क्लिक करके पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पर आपको गाइस जहाँ तक मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कहाँ तक हमारा सात नंबर मार्क है, वैसे हमारा सात नंबर यहाँ तक मार्क है, ठीक है। इसके ऊपर गाइस जितने फोटो दिखेंगे आपको सभी पर यही इफेक्ट लगाना है जो जिस जैसे जैसे नंबर वाइज होगा, ठीक है। गाइस मैं यहाँ पर लास्ट में आपको इसके आप लगा देता हूँ, ठीक है। फिर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है चार नंबर जो गाइस हमारा फ्लैश इफेक्ट है, ठीक है। तो ये भी आपको लगा देना है। फिर आप आगे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक नंबर इफेक्ट दिख जाएगा जो कि हमने स्टार्टिंग में आपको बताया है, तो वो भी आपको यहाँ पर लगाना है। फिर आपको यहाँ पर दिख रहा है गाइस दो नंबर, तो इसके ऊपर जितने फोटो होंगे सब पर हमारा जो दो नंबर वाला इफेक्ट था वो भी आपको लगाना है, ठीक है। फिर आप गाइस आगे आएंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा 2618 पर आठ वाला इफेक्ट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको बैक कर लेना अपने 100 बिट मार्क में, 100 इफेक्ट में आ जाना, ठीक है। अब गाइस यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर दिख जाएगा आठ नंबर इफेक्ट जो कि बहुत ही खतरनाक है, ठीक है। तो आपको इस पर क्लिक कर देना है और इफेक्ट पर क्लिक करके थर्ड पर क्लिक करके कॉपी इफेक्ट कर लेना है। दोस्तों इतना करने के बाद आपको बैक कर लेना है और अपने 100 बिट मार्क में आ जाना है। दोस्तों 100 बिट मार्क में आ जाने के बाद आपको एरो पे क्लिक करना है, ठीक है। अब गाइस एरो पे क्लिक करके आपको आगे आ जाना है, ठीक है। आगे आने के बाद आपको सबसे पहले नीचे आ जाना है और गाइस नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको दिख जाता है आठ नंबर इफेक्ट जो कि मैंने आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसके ऊपर जो फोटो दिख रहा है, ठीक है, इसके ऊपर गाइस आपको आना है और आपको जितना भी दिख रहा है फोटो सभी फोटो पर हमारे ये इफेक्ट लगा देना है, ठीक है। तो इस फोटो पर हम क्लिक करेंगे, इफेक्ट पर क्लिक करके थर्ड पर क्लिक करके पेस्ट कर देंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूँ लास्ट तक हमारा सारा सारे फोटो पर ये इफेक्ट लगेगा, ठीक है। तो इस फोटो पर क्लिक करूँगा, इफेक्ट पर क्लिक करके थर्ड पर क्लिक पेस्ट कर दूंगा। दोस्तों तो आज का हमारा स्टेटस कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। एंड दोस्तों मैं आपको बताऊँ अब इसको एक्सपोर्ट कैसे करना है, आपको सेटिंग पे क्लिक करना है, अगर आप इंस्टाग्राम पे शेयर करना है तो इस पर क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो गाइस सेटिंग के बगल में आपको इस पर क्लिक कर देना और यहाँ से इसको एक्सपोर्ट कर देना दोस्तों। आपका मात्र 10 से 20 मिनट भी लग सकता है गाइस, ये आपके डिवाइस के ऊपर निर्भर करता है दोस्तों। तो मिलते हैं किसी और प्यारे से नए टॉपिक के साथ गाइस, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।